नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी कलाकार से जिन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया था और आज गायकी की दुनिया में उनका एक अलग मुकाम है। हर कोई उन्हें जानता है क्योंकि उनकी आवाज़ में है एक मिठास और सुरों में है सच्चाई। मैं स्वागत कर रहा हूँ प्रजापता शुक्रे का। बहुत बहुत धन्यवाद रागगिरी के सभी दर्शकों और आपको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रजाक्ता, इस इंटरव्यू की जो सीरीज़ है उसकी एक रवायत है कि हम अपने हर कलाकार से गुजारिश करते हैं कि वो शुरुआत किसी भक्ति संगीत से करें, किसी भजन से करें, तो आपसे भी यही गुजारिश होगी। जी बिल्कुल, और जिस तरह हम किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत में गणपति बाप्पा को याद करते हैं, तो इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी मैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन गणपति बाप्पा को समर्पित करती हूँ। और ओरिजिनली ये लता जी ने गाया है और इसका एक वर्जन हमने भी बनाया है सारेगामा के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, तो आप सभी वो भी ज़रूर सुनिएगा। अच्छा प्रजाक्ता, ये समझना चाहेंगे कि सिर्फ 4 साल की उम्र में संगीत सीखना आपने शुरू किया, इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब कहानी से मेरा आशय ये है कि क्या परिवार में संगीत था? जी, मेरी माँ म्यूज़िक टीचर है, तो उनके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखने आते थे खंडवा में। तो उनके जाने के बाद, स्टूडेंट्स के जाने के बाद, मैं वही बंदिशें, वही राग मैं दोहराती थी, बहुत छोटी थी तब। तो उस तरह माँ को रियलाइज़ हुआ कि मेरी बच्ची भी गा सकती है, अच्छा गा सकती है, तो उन्होंने मुझे भी सिखाना शुरू किया। कभी कभी खाना बनाते हुए, रोटियां बेलते हुए भी बताती थी कि ये आला आप गा के देख, इस तरह गा के देख। तो सबसे पहला राग जो मैंने सीखा उनसे वो राग भोपाली था, और घर पे माहौल था ही, तो उस तरह मेरी संगीत की प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद लता जी, आशा जी स्पेशली, इन दोनों को बहुत सुना मैंने, उनकी बहुत सारी कैसेट्स अभी भी मेरे पास रखी हुई हैं। हालांकि अभी कैसेट्स हम सुन नहीं पाते, बट ये मेरे लिए एक बहुत ही एक ट्रेजर है जो मैं किसी को दे नहीं सकती। और उस वक्त तो हम कैसेट्स भरवाते भी थे, गाने सिलेक्ट करके देते थे कि ये गाने रिकॉर्ड करके दे दीजिए, तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारी कैसेट्स रखी है, तो उनको बहुत सुना मैंने और उनके गाने प्रिपेयर किए, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। फिर दूसरा स्टेज आता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, और जो स्कूल जाते ही एक कश्मकश
शुरू हो जाती है कि पढ़ाई और संगीत दोनों में बैलेंस, और ये बैलेंस बनाने में पेरेंट्स का बहुत सहयोग ज़रूरी होता है। तो आप कैसे याद करती हैं अपने पेरेंट्स के सहयोग को, जो जिनकी मदद मिली होगी ज़रूर इस चीज़ में कि कितना पढ़ना है और कब रियाज करना है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स के सहयोग और सपोर्ट के सिवाय आप ग्रो नहीं कर सकते, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दोनों आई और बाबा दोनों का बहुत सपोर्ट मिला म्यूज़िक में। इंडियन आइडल जब आया था तब मैं 12th में थी, और तब एक ऐसा डिसीजन लेना था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन था लाइफ का, स्पेशली उस वक्त। तो अभी भी इनफैक्ट 10th और 12th को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है आपके करियर में। तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स चूज़ किया जाए या फिर ये कंपटीशन, क्योंकि हमें पूछा गया था कि आपकी लास्ट तक अवेलेबिलिटी अगर होगी तो ही आप यू नो आगे बढ़े, और आपको वो कमिटमेंट देना पड़ेगा बेसिकली। तो आई चोज़ टू बी इन द कंपटीशन, और मेरे आई बाबा ने मुझे सपोर्ट किया कि तेरा दिल यहाँ पर है, तुझे ये करना है तो गो फॉर इट। और उसके सिवाय ऑब्वियसली मैं इतनी छोटी थी कि मैं ये डिसीजन शायद नहीं ले पाती, शायद मेरा मन नहीं करता एग्ज़ाम देने का, पर अगर माँ बाबा बोलते कि यही करना है तो मैं वही करती। तो यस, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। और उसके पहले भी स्कूल में भी जब मैं थी, पहले के क्लासेस में भी, तो मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे प्रिंसिपल मैम खान मैम जबलपुर में बहुत मुझे सपोर्ट करती थी, और काफ़ी बार मैं अपने टेस्ट भी बाद में देती थी क्योंकि मैं रिहर्सल्स में होती थी या स्कूल के किसी कंपटीशन में होती थी। तो इस तरह मुझे सारे टीचर्स का और मेरे प्रिंसिपल मैम का स्पेशली बहुत बहुत सपोर्ट रहा। और मेरे म्यूज़िक टीचर जो वहाँ पर थे, दीपक सर, काफ़ी बार मैं जब होमवर्क नहीं करती थी तो उनके क्लास में चली जाती थी, जो भी वो क्लास उनकी होती थी म्यूज़िक की, मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी और बताती थी सर मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया है, मैं आज बंक मार रही हूँ। तो इस तरह बहुत ही प्यार करने वाले मुझे सारे टीचर्स मिले, और मज़ा आता था। म्यूज़िक ही हमेशा से करना था तो कभी कन्फ्यूजन नहीं था उस बारे में, सो ऐसा था। अच्छा प्रजाक्ता, उसके बाद आपने ये कब तय किया कि सिंगिंग को प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करना है और प्रोफेशनली सिंगर बनना है? जबलपुर में आने के बाद मैं म्यूज़िक में और भी ज़्यादा एक्टिव हुई, और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करती रही। मैं सारेगामा में भी एक एपिसोड में आई थी, और वहाँ के सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स, मास्टर मदन, और स्पेशली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक बहुत ही सम्मानित कॉम्पिटिशन है लता मंगेशकर अलंकरण, वो जीतना सबका एक ख्वाब रहता था। तो वो भी मैं जूनियर ग्रुप में जीती थी, और मुझे लगा था कि अब इससे अच्छा मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता, तो वो मैं जीती थी। उसके बाद ये रियलिटी शो हुआ जब मैं 12th में आई, और उसके बाद सपना तो मेरा था ही कि मुंबई आना है। मैंने अपने बाबा को बोला था कि 10th के बाद मैंने बाबा को बोला था कि मैं 12th कर लूँ, उसके बाद मैं बाबा मुंबई जाना चाहती हूँ, वहाँ जाके अपना म्यूज़िक का करियर परस्यू करना चाहती हूँ। तो भगवान की दया से ये शो हो गया, और जिस वजह से मुझे मुंबई में रहने का मौका मिला, और रास्ते खुलते गए, और समझ में आता गया कि किस तरह इंडस्ट्री में काम करना होता है, क्योंकि उसके पहले तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो शोज़ किस तरह होते हैं या एवरीथिंग अबाउट म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो वो धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। और पता तो पहले से ही था कि म्यूज़िक करना है और प्रोफेशनली ही करना है, ये क्लैरिटी एक्चुअली बहुत पहले से थी, तो शायद इसलिए वो रास्ते अपने आप बनते गए और भगवान ने ब्लेस किया, आई वुड से दैट। प्रजाक्ता, मैंने आपकी बहुत सारी गज़लें सुनी हैं जो यूट्यूब पर भी हैं, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स से ये कहूँगा कि वो आपके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ संगीत का बहुत सारा रंग है आपका। तो एक गुजारिश और कि कोई गज़ल सुनाइए। जी बिल्कुल, गज़लें सुनना और गाना बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट सारे कॉम्पिटिशन्स में भी मैं मोस्टली गज़ल ही गाती थी। यूट्यूब पे हमने वन टे गज़ल प्रोजेक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट किया है, जिसकी खासियत ये है कि उसका वीडियो और ऑडियो साथ में रिकॉर्ड हुआ है, और वो लाइव है, ऑफ कोर्स वन टेक है। गुलाम अली खान साहब, आशा जी, जगजीत जी, इनकी गज़लें हमने कवर की है। फ़िलहाल मैं जावेद कुरैशी जी की लिखी हुई दिल जलाने की बात करते हुए आपके सामने पेश करती हूँ। आ, 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 आ,
आशियाने की बात करते हो, दिल जला जमाने की बात करते हो, तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात कहते हो, दिल जलाने की बात करते हो। अच्छा प्रजाक्ता, जो रियलिटी शोज की एक दुनिया है संगीत के क्षेत्र में, जिससे आप बहुत मजबूती से जुड़ी रही हैं, वो दुनिया कैसी है? वो जो चकाचौंध है, बड़े बड़े सेट्स हैं और बड़े बड़े कलाकारों के सामने गाने का जो अनुभव है, उस एक्सपीरियंस को बताइए। रियलिटी शो जब इंडिया में शुरू हुआ, उसके पहले ही रियलिटी शो का मैं हिस्सा रही हूँ और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि तब सच में रियलिटी थी उसमें, और शायद इसीलिए हम लोगों के दिलों तक पहुँच पाए और आज तक हमें इतना प्यार मिलता है, इतना हमें याद किया जाता है। और डेफिनेटली एक बहुत बहुत बड़ा, बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है रियलिटी शो, क्योंकि एक साथ आपकी आवाज़ इतने सारे लोगों तक पहुंचती है, देश के कोने कोने तक पहुंचती है, आपको इतने इतने महान और इतने दिग्गज जजेस के सामने गाने का मौका मिलता है, इतने कमाल के कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है। वो एक्सपीरियंस, कैमरा फेस करना, इंटरव्यूज़ देना, वो सब बहुत 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 मायने रखता है जर्नी में। बट उससे एक उसके बाद ये भी समझ में आता है कि ये एक बस छोटी सी शुरुआत है और इसके आगे का रास्ता और भी मुश्किल और भी लंबा है और भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ पर आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं। तो रियलिटी शो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए थोड़े रास्ते खोलता है डेफिनेटली, बट वही सब कुछ नहीं है। उसके आगे बहुत बहुत लंबी जर्नी है और उसके आगे आपका टैलेंट और आपकी मेहनत ही है जो रंग लाती है, और थोड़ा बहुत नसीब भी काम आता है डेफिनेटली। प्रजाक्ता, थोड़ी देर पहले मैं आपके YouTube चैनल का जिक्र कर रहा था और मैंने उसमें देखा कि आपने कई सारी म्यूजिक वीडियोस भी बनाई हैं, वो अपने आप में एक अलग किस्म का अनुभव रहा होगा, उसके बारे में बताइए। जी, म्यूजिक वीडियोस मतलब शूटिंग की जब बात की जाए, रिकॉर्डिंग से बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और भी बहुत सारे लोगों का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है एक म्यूज़िक वीडियो करने में, और मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा थकाने वाला प्रोसेस है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो कुछ घंटे ही लगते हैं पर शूटिंग में काफ़ी काफ़ी घंटे लग जाते हैं, पूरे प्रिपरेशन से मेकअप से लेकर लास्ट टेक तक आपको वही एनर्जी कायम रखनी पड़ती है, वही स्माइल के साथ में आपको गाना एक्सप्रेस करना होता है, बट हाँ मज़ेदार होता है। प्रजाक्ता, आप एक और गजल कोई जगजीत सिंह साहब की? जगजीत जी का संगीत मुझे बहुत बहुत पसंद है और उनकी आवाज़ की तो मैं क्या ही बात करूं। मेरे ख्याल से जिस तरह पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बनाता है, उसी तरह इनका संगीत और इनकी आवाज़ हमारे दिलों तक उतनी ही सरलता से पहुंचती है, और कोई एक गज़ल चूज़ करना बहुत मुश्किल है।
फिलहाल मुझे कैफ़ी आज़मी जी की लिखी हुई बहुत ही प्यारी गज़ल, जो हर समय हर इंसान इस गज़ल से रिलेट कर सकता है, आई थिंक वो मैं आपके लिए गाना चाहूँगी। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता, है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। अच्छा प्रजाक्ता, शास्त्रीय संगीत की जो जगह है आज, जो उसकी आप लोकप्रियता कह लें या उसकी पहुंच कह लें, उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या आपको लगता है कि जो गायकी आप लोग कर रहे हैं उसकी जड़ में शास्त्रीय संगीत का होना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह जो शब्द आपने यूज़ किया जड़, तो संगीत की जड़ ये शास्त्रीय संगीत है। और एक बेस अगर आपको पता हो तो आपको कुछ भी गाने में समझ के गाने में आसानी होती है। और शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता मुझे लगता है कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्हें उसकी मिठास पसंद है, जिन्हें उन्हें उसकी एक एक जो गूंगी आती है ना, एक एक नशा होता है क्लासिकल म्यूज़िक सुन के, तो वो एक बार चसक आपको लग जाए तो आप वो सुनना बंद नहीं कर सकते हैं। और वो सीख के गाना तो और भी मुश्किल है, वो एक एक तरह का योग है जो सबके बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स हैं, यंग आर्टिस्ट्स हैं, जो इस प्रथा को, इस शास्त्र को का आगे लेके जा रहे हैं, और उतने ही नियम के साथ में, उतने ही संयम के साथ में वो अपना रियाज करते हैं। तो अभी भी अगर आप में से कोई यंग दर्शक हमें सुन रहे हैं, तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है कि आप सीख कर क्लासिकल गा सके, तो एटलीस्ट ज़रूर सुने। बहुत बहुत कमाल के कलाकार हैं, जो बहुत महान कलाकार हैं, जिनके वीडियोस और ऑडियोस अवेलेबल हैं हमारे लिए, तो वो ज़रूर सुने और सुनकर उसे अपने अंदर बसाने की पूरी कोशिश करें। और सीखें ज़रूर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर शास्त्रीय संगीत सीखे, बेसिक तो एटलीस्ट सीखे ही कि सुर क्या है, सप्तक क्या है, और किस तरह आवाज़ को लगाया जाना चाहिए। मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर रामदेश पांडे जी, वो हमेशा यही कहते हैं कि आपकी आवाज़ और आपके सुर बहुत असरदार होने चाहिए, और वो आपको समझ में आता है शास्त्रीय संगीत के शास्त्र को समझ के ही। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि सभी लोग शास्त्रीय संगीत को सुने, और ये हमारी धरोहर है, ये हमारा ट्रेजर है, और हमें इसको हमेशा हमेशा जिंदा रखना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रजाक्ता, जो शायद जो इस इंटरव्यू को सुनने वाले नए कलाकार हैं उनके लिए मददगार होगा, आप किन भारतीय गायकों को, किन भारतीय शास्त्रीय गायकों को अब भी सुनती हैं और फॉलो करती हैं? सभी दिग्गज कलाकारों को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, पर उनमें से सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को सुना है तो वो है पंडित भीमसेन जोशी जी, किशोरी आमोणकर जी, प्रभात त्रिजी, उस्ताद राशिद खान साहब,
अजय चक्रवर्ती जी, मेरे गुरु डॉक्टर रामदेश पांडे, और बाकी भी बहुत सारे कलाकार हैं जो मुझे बहुत बहुत बेहद पसंद है। सबके नाम लूँगी तो बात लंबी हो जाएगी, बट हाँ, मेनली इन सभी को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। जागता, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं रागगिरी की तरफ से कि आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे, यूं ही महकता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रागगिरी के इस कमाल की श्रृंखला में मुझे भी शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत कमाल कमाल कलाकारों का इंटरव्यू आपने किया है और उसमें मेरा भी एक नाम जुड़ा है, इसकी मुझे बेहद खुशी है। आप सभी दर्शकों को फिर से मेरा बहुत सारा प्यार। बहुत अच्छा संगीत सुनिए, संगीतमय रहिए और खुश रहिए।